सेब तो भैया कोई भी हो, 6 में ऑक्टा हेड डली होती है, तो 6 N3 जोड़ दो, NH3 थ्री पॉजिटिव। करिए नेक्स्ट बच्चों, CrNH3 होल 6 3 पॉजिटिव। CrNH3 होल 6 3 पॉजिटिव। तो SP3D2 ही लिया जाएगा, 3 खाली है तो। हाँ वही मैं तो कुछ कर रहा हूँ, ये डी ब्लॉक वाली में 3 खाली हो रहा है। हाँ यार 3 हो जाए। यस सर। करो देखते हैं। तीन खाली बचे मतलब जी बेटा, एक्सेप्शनल केस है, मतलब आप लोग सही कर रहे हो तो सही रहा है, लेकिन पैड करने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि पहले से 2 खाली आ रहे हैं ना इसमें। कैसे पैरिंग होगी? नहीं होगी, यही तो पैरामैग्नेटिक आएगा, वैसे भी तो पैरामैग्नेटिक ही आ रहा है एक पैड कर, क्योंकि पहले से जब वो उसके पास खाली जगह है तो फिर पैरिंग नहीं करता। जो एक्सेप्शनल केस था, तो हमने पहले लिखवाया था, पहले से 2 खाली है इसलिए पैरिंग नहीं होगी, वही वैसे ही रहेंगे। हाँ क्योंकि पेयरिंग नहीं करेंगे तो इसकी जो वो आएगी वैल्यू 3.8, वो 3.8 है, जो एसी में 1.8 आती, ये गलत हो जाता, 3.8 सही है। रीजन है ना कि वो पेयरिंग तब करता है जब उसको अंदर के 2 डी नहीं मिलते, वो अब ऑटोमेटिक मिल रहे हैं तो क्या करना है पेयरिंग उसे। ये स्पेशल केस था। चलिए
सी आर एन ए 3 होल 6 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, बच्चों एक्सेप्शनल वाला है, एटॉमिक नंबर 24, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है 3D5 4S1, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन स्टेट +3 आ रही है, इस साइड +3, इसकी 0, 3 निकाल दो तो 1 इससे 2 इससे, तो 3 निकल गए। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। अब हमें दिख रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करेगा, लेकिन बच्चों इसमें पेयरिंग नहीं करेगा, रीजन पहले से 2D खाली है उसके पास, उसको जो चाहिए थे, तो काय पेयरिंग करे वो, क्यों जबरदस्ती परेशान करे, इसलिए पेयरिंग नहीं करेगा। इससे सर फर्क क्या पड़ जाएगा हमारा, तो कोई आंसर तो तुम्हारा क्या क्या सही आ जाएगा, एक तो पैरामैग्नेटिक लिखोगे वो सही आ जाएगा, बाकी सब सही आएगा, सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू गलत आ जाएगी, वैसे में 1.8 आएगी, ऐसे में 3.8 आएगी, बाकी सब सही आने वाला है। नहीं नहीं, क्रोमियम के डिपेंड करने का, क्रोमियम +3 में होगा जब भी यही आएगा, क्रोमियम +6 में भी आ सकता है, तो 0 हो जाएगा फिर, तो क्रोमियम +1 से लेके +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शुरू करता है, तो बच्चों इसके कारण इसमें पेयरिंग नहीं होगी, ऑलरेडी उसके पास 2D हैं, ए वाला डी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो 6 पार्टिसिपेट कर गए, 1 2 3 4 5 6, 2D के D2 एक एस का, आप बच्चों देख रहे हो कि जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है मोस्टली D2SP3 होता है, हाइब्रिडाइजेशन। पेयरिंग नहीं की, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है फिर भी पेयरिंग नहीं की, पहले से 2D खाली है ना, क्यों पेयरिंग होगी, तो आ गए 6NH3 एक यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, 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 D2SP3 सही है, एन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स सही है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक नहीं, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंटम 3 के अकॉर्डिंग 3.8 कलर्ड होगा। चलो बच्चों जे हुए आपके प्रैक्टिस खत्म, अब हम कुछ आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, उनके आंसर लिख के दिखाइए आप लोग। NH3 क्या क्वेश्चन है, TiH2O 6 कलर्ड है,
थ्री पॉजिटिव। और SC8H2O होल सिक्स थ्री पॉजिटिव कलरलेस है, एक्स क्लीन वाई। यही बना लो, अपने आप आंसर मिल जाएगा। करो इस क्वेश्चन को जल्दी। TI-8H2 होल सिक्स थ्री पॉजिटिव कलर है, SC8H2 होल सिक्स थ्री पॉजिटिव कलरलेस है। सीधी सी बात है, जो कलर्ड है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो कलरलेस है उसमें या तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं ट्रांजिशन के लिए। ट्रांजिशन के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो कलर्ड होगा, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो ही ना तो कलरलेस होगा। करें, चलिए क्वेश्चन का आंसर करते हैं बच्चों। सबसे पहले करते हैं TI-H2O6। बच्चों जब भी डी ब्लॉक में पूछ लेना कलर्ड और नॉट कलर्ड, तो आप जो कलर्ड है उसमें लिख जरूर देना डी ट्रांजिशन, जब क्वेश्चन पूछा जाए। प्लस थ्री टाइटेनियम, ऑक्सीजन स्टेट निकाल ले, प्लस थ्री आ रही है, प्लस थ्री। ठीक है, हम उतने ही क्वेश्चन का आंसर देते हैं जितनी कि मैं जोड़ इतना सारा क्या करके लिखे लिख लूँ। ठीक है, लिखना तो लिख लूँ, क्या दिक्कत है। तो टाइटेनियम का अगर हम देखें, अच्छा वाटर है, वीक थ्री लिगेंड, ये भी लिख लो। स्कैंडियम टाइटेनियम 22, मतलब डी में कितने आएंगे 2, और एस में तो हमेशा कितने रहते हैं 2। सिर्फ करे क्यों को छोड़ के, करे में 1 रहता है और क्यों में 1 रहता है, कॉपर में 1। लेकिन हमें टाइटेनियम का थोड़ी चाहिए, हमें टाइटेनियम प्लस 3 का चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो डी में कितना बचेगा 1, डी में 1। अब देखो यहाँ पर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आपके, अब यहाँ पर देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन का केस नहीं पूछा गया है, सिर्फ कलर्ड और अनपेयर्ड का पूछा गया है। तो यहाँ में सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए कलर्ड है उसको बताना है ना। क्वेश्चन उन्होंने जिस बेस पे सेट किया उस बेस पे आंसर देना है हमें। तो इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन आता ही नहीं होगा, सिर्फ कलर पूछा गया है। ठीक है ना, तो देखिए 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, TI
इन टी आई एच टू ओ होल सिक्स प्लस थ्री देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन टी आई ए टू होल सिक्स प्लस थ्री देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच शोज इट्स कलर्ड प्रॉपर्टीज कलर्ड नेचर ड्यू टू द डी डी ट्रांजिशन. अब ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, डी से डी में जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एनर्जी लेगा बाहर आएगा नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा. इन टी आई ए टू होल सिक्स प्लस थ्री देयर इज वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन विच शोज इट्स कलर्ड नेचर ड्यू टू द डी डी ट्रांजिशन. ट्रांजिशन का मतलब है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डी एक्साइटेशन, है ना. समझाते हैं अभी एक क्रिस्टल फील थ्योरी से और अच्छे समझ में आएगा ट्रांजिशन. देखिए जब लिगेंड्स अटैक करने आता है तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं लोअर डी में हायर डी में टी टू जी और ई जी में. तो अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो जंप करता है लोअर से हायर एनर्जी को लेके एंड हायर से लोअर जब आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है. कई प्रकार की एनर्जी रिलीज करता है यू वी आई आर, लेकिन आपको सिर्फ विजिबल दिखती है. और ये जिस रीजन में रिलीज करेगा, विजिबल के भी रीजन होते हैं वेवलेंथ के फ्रिक्वेंसी के वेव ग्योर से, तो जिस रीजन में करेगा उस रीजन में आपको कलर दिखेगा. तो ये डी से डी में जाना और डी से डी में आना दिस इज कॉल्ड डी डी ट्रांजिशन. तो टी आई ए टू होल सिक्स प्लस थ्री इन टी आई ए टू होल सिक्स प्लस थ्री देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच शोज इट्स कलर नेचर ड्यू टू द डी डी ट्रांजिशन. आप एक लाइन में भी लिख सकते हो इट इज कलर ड्यू टू द डी डी ट्रांजिशन हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. बाकी अपने मन से करो बी वाला आप लोग. अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलर इज. हाँ सही तो बेटा, इसमें खत्म बिल्कुल सही है, 100% सही है. क्यों नहीं छोड़ेंगे आज तो 10 के पहले छोड़ो. मम्मी डांटेंगी तो ठीक है, हम क्या कर सकते, हम आपको पढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. आज और लंगूर कब खिला? कबू लंगूर भी जो ने लंगूर खिलाई है बुला लियो. हलवा बनो हलवा, हम आ भी आज खिलाओ खाना. मम्मी से पूछ लियो लंगूर को खिलाओ जात कि नहीं. आम से छोटो कोई नहीं है, हम अच्छे से खा भी पूरे भर पेट. जीरो आएगा, जीरो आया मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की संभावना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. एब्सेंस ऑफ डी डी ट्रांजिशन. देखिए डी में जीरो होगा या डी में टेन होंगे तो वो आपका कलर शो नहीं करेगा, ठीक है. अभी आगे पढ़ाएंगे आपको मैग्नेटिक बिहेवियर. चलिए बच्चों स्कैंडियम देख ले हम. स्कैंडियम प्लस थ्री ही आ रही है. स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है ना, वन मतलब डी में वन होगा, एस में तो टू ही है.
लेकिन हमें स्कैंडियम का नहीं चाहिए, हमें स्कैंडियम का कॉम्प्लेक्स में चाहिए। टोटल पे चार्ज प्लस थ्री तो प्लस थ्री, एक वाटर का जीरो तो सिक्स का जीरो, मतलब प्लस थ्री पे है स्कैंडियम, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन कम है तो ये जीरो हो गए, जीरो। इन SiH2 होल सिक्स प्लस थ्री पॉजिटिव देयर इज अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बात नहीं भाई इन SiH2 होल सिक्स थ्री पॉजिटिव देयर इज अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेड की तो बात ही छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, है ना। इन SiH2 होल से थ्री पॉइंट देयर इज अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग अब्सेंस ऑफ डीडी ट्रांजिशन। अच्छा लैंग्वेज आप अपनी लिख सकते हो ना, ये थोड़ा सा लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं आ रही जैसा लिखवाना चाहते हैं, लेकिन आप लिख लो ठीक है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट मान लो, आप अपनी लैंग्वेज लिख देना ठीक है। अब हम मिटा नहीं रहे, आप लोग कहोगे मिटा दो सर। NSiH2 होल सिक्स थ्री पर दे आई जी अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग अब्सेंस ऑफ DD ट्रांजिशन विच सूज इट्स कलरलेस नेचर अरे प्रैक्टिस करा रहे हैं हम आपको, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो एक आध और कर लो। कोई कोचिंग वाले तो नहीं है? कितने बजे? किस चीज की? फिजिक्स की? ये बच्चों खुद बन जाएंगे अपने आप से आपसे, है ना। इनमें ज़्यादा वरी, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, बात नहीं। दिव्यांश परंजल लो ये अपने, अब हम बिल्कुल इसमें एक हाथ नहीं लगाएंगे ठीक है। आप लोग खुद करोगे अपने मन से ठीक है, अपनी लैंग्वेज में अपनी भाषा में, जो पूछा उसी को टारगेट करना, बेकार में टाइम क्या वेस्ट करना है। चलिए अकाउंट फॉर डिफरेंट मैग्नेटिक बिहेवियर। डिफरेंट का मतलब ये है, या तो एक डायमैग्नेटिक आएगा, दूसरा पैरामैग्नेटिक, या फिर दोनों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा आएंगे, तो किसी का मैग्नेटिक मोमेंटम कम आएगा, किसी का ज़्यादा, है ना। अकाउंट डिफरेंट मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड एंड
हेक्साफ्लोरोफेरीथर्ड, हेक्साफ्लोरोफेरीथर्ड कर लीजिए फिर से लास्ट, फिर अपन चालू करते हैं क्रिस्टल फील थ्योरी CFT। ठीक, देख लो जैसे नहीं कि आप लोग ज़्यादा हो जाए, जितना पढ़ सको उतनी पढ़ो। चलो करो अपने मन से, हम बिल्कुल ना कराएंगे इसको, वैसे ही निकाल लो बाकी इतनी सारे डेटा। ना उन्हें हाइब्रिडाइजेशन पूछा है ना कुछ, आपको तो मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा है, तो वो निकाल के आप मैग्नेटिक मोमेंटम की यूनिट निकाल दो बस, जल्दी से जितना पूछा है उसको टारगेट करके लिख दो, लेकिन तरीका वैसे ही करना है। अकाउंट फॉर डिफरेंट मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ हेक्साफ्लोरोफेरीथर्ड, हेक्साफ्लोरोफेरीथर्ड। आपको पता ही है मेटल पे ऑक्सीडेशन +3 आएगी जब थर्ड लिखा हुआ है, मेटल पे हमेशा पॉजिटिव आती है ना +3। अब देख लो कि मेटल पे +3 आ रही तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आ रहा है। अब देखो इन्हें आयन नहीं लिखा है, हम क्रॉस चेक कर ले रहे क्वेश्चन में, लेकिन आयन आ रहा है ना। हम देख लेते हैं एक बार रीचेक, नहीं आयन नहीं लिखा है उनने, नहीं गलत नहीं है वो, उनका वो सब सही है, वो सार्वभौमिक सही है, यूनिवर्सल। तो हम क्या करें, हम लड़वे थोड़ी जाएंगे, हमने कहा वो सार्वभौमिक सही है, जैसे हमने लिखी थी ना परीक्षा में यूनिट ऑफ, हमने एन नहीं लगाओ लेकिन हम फिर भी सही हैं। यूनिट यू टू पल्यूशन PPM 5 per million, इतना तो कॉमन सेंस होता है। अभी हम तो एक गाना सुनाए और बीच के दो शब्द ना सुनाए तो अपने आप गा दे, तो इन भी तो आता है, इन नहीं आता तुम्हें। चलो जल्दी से करो ये वाला सब लोग, डिफरेंट मैग्नेटिक बिहेवियर का रीजन इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड में भी कम वाला है तो कम मैग्नेटिक मोमेंटम आएगा, ज़्यादा तो रीजन होंगे वही इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंसी, देख लो कैसे आ रहे हैं। और इसको अच्छे से पढ़ लेना कल, क्योंकि कल चालू करेंगे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जय गुरुकुल, उनको बाहर कर दिया गया है। हेलो नमस्ते बेटा, आपकी छुट्टी कर दी गई है परमानेंट? अरे यस सर, क्योंकि आपने 26 को आने को कहा था, 27 हो गई। नहीं, रूल बहुत स्ट्रिक्ट है बेटा, पढ़ाई के समय छुट्टियां नहीं हैं। क्या कर सकता बेटा, तुम्हारे हम एक चैप्टर को 750 रुपये लौटा दे, 750 ऐसे लौटाना चाहिए लेकिन लौटा दे भी। सही है, नहीं हम तुम्हें नहीं कहते क्वेश्चन आंसर कैसे, हम क्या करें, इन लोगों ने हड़ताल कर दी पूरी क्लास के बच्चों ने, हमारे खिलाफ नारेबाजी कर रहे। अरे अनिल सर जाए जाए, नहीं वो क्या पार्शियलिटी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं मैं ऊपर, कह रहे कि सर आप हमें छुट्टी नहीं देते और जय चप चाहे जितनी छुट्टी लेता है। देखो तुम्हें आवाज़ सुना रही होगी, जय जाए जाएगी जाए।